आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। अगर आप में से कोई भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं जॉब के लिए, मेरे पास एक जॉब का ऑफर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेट में फिर से 1000 लोगों को पकड़ा गया है। 1000 लोगों को, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वैलिड एकामा है, वैलिड सिविल आईडी है, फिर भी उन लोगों को पकड़ा गया है। इसका पीछे का रीजन क्या है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कुवैत में रहते हो या कुवैत में काम के सिलसिले में आना चाहते हो, कुछ ऐसा काम है जो अगर इस काम में आप कुवैत में आओगे तो आपको भी पकड़ा जाएगा, आपको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे। वीडियो को शुरू करने से पहले आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। अगर आप में से कोई भी सऊदी अरब जाना चाहते है जॉब के लिए, मेरे पास एक जॉब का ऑफर है, एक रेस्टोरेंट का जॉब ऑफर है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है सऊदी में जाने के लिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट शुड रीड एंड राइट इंग्लिश, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे को वही लोग मैसेज कीजिए जिनको इंग्लिश पूरा लिखना और बोलना आता है। गाइस, अभी हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। कुवैत में जो 1000 लोगों को पकड़ा गया है विद इन थ्री वीक्स में 1000 लोगों को कुवैत में पकड़ा गया, आप सोच सकते हैं 3 वीक्स का अंदर 1000 लोगों को पकड़ना आसान बात नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसा है जिनके पास वैलिड सिविल आईडी है, फिर भी उनको पकड़ा गया है। उसका रीजन क्या है मैं हर वीडियो में बताता हूँ। रेसिडेंसी कानून, जो रेसिडेंसी कानून को उल्लंघन करते हैं उनको पकड़ा जाता है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले यह ध्यान रखना है, अगर आप कुवैत में रहते हो या कुवैत में आना चाहते हो, अगर आप इंडिया से कुवैत में आना चाहते हो, जो भी लोग, उन लोगों के लिए मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग इंडिया से कुवैत आना चाहते हो, पैसा खर्चा करके जो वीजा खरीद के आते हैं, मैं वीजा लेके कुवैत में चला जाऊंगा, जाके कोई भी कंपनी में जॉब ढूंढ के मैं जॉब कर लूंगा, अगर ऐसा सोच के आप कुवैत में आना चाहते हैं तो आप मत आइए। फिलहाल जो कुवैत का जो कंडीशन है, आप लोग ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि आप जो पैसा खर्चा करके कुवैत में आएंगे, ये जो वीजा मिलता है, जो पहले मिलता था ऐसा वीजा कि आप वीजा खरीद के कुवैत में आके किसी भी जगह में काम कर सकते हो, इसका बहुत एक्सपेंसिव है ये वीजा। इसमें आपका बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप कुवैत में आके कुछ ऐसा काम करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद ही आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो जितना पैसा खर्चा करके आप कुवैत में एंट्री करोगे वो आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप में से कोई भी गलती से भी ये काम कर लेगा तो 100% पकड़ा जाएगा। क्योंकि कुवैत में जो चेकिंग चलाया जा रहा है ये चलता ही रहेगा नॉनस्टॉप, क्योंकि बहुत सारे लोग विजिट वीजा में कुवैत आए थे जो आके रिटर्न वापस नहीं गए, उन सभी लोगों को पकड़ के निकलना है। उनका चक्कर में हर एक जगह में, हर एक एरिया में पकड़ा जा रहा है, हर एक एरिया में चेकिंग चलाया जा रहा है, जिसमें ये रेसिडेंसी कानून जो उल्लंघन करने वाले लोग है उनको बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है। देखिए, वो लोग लीगली कुवैत में रहते हैं, उनके पास एकामा है, एवरीथिंग है, लेकिन उनका गलती क्या है, जैसे वो एक कंपनी का अंडर में उनका एकामा लगा हुआ है लेकिन वो दूसरा काम कर रहे हो, वही कंपनी में वो लोग काम नहीं कर रहे, किसी और जगह में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा लोग है जो घर का वीजा लेके कुवैत में आते हैं, आके घर पे काम नहीं कर में काम करते हैं, जैसे पैसा दे दिया बाहर छोड़ दिया, बाहर में आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कुवैत में है जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है। इवन जो वीजा लेके आते हैं, वीजा खरीद के 18 नंबर वीजा भी खरीद के आ जाते हैं कुवैत में, आके किसी भी जगह में काम कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीजा खरीद के आ जाओ, आके आप किसी भी जगह में काम कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोगों को ही पकड़ा जा रहा है। जो लोग इलीगली कुवैत में है उनको तो पकड़ा जा रहा है नॉनस्टॉप, लेकिन जो रेसिडेंसी कानून को भी उल्लंघन कर रहा है उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसलिए आप लोग ये बात का ध्यान, फिलहाल आप ऐसा गलती मत कीजिए, कभी भी आप वीजा लेके, पैसा देके वीजा लेके कुवैत में मत आइए, यानी आके किसी और जगह में आप काम करेंगे ऐसा सोच लेके आप मत आइए। अगर आपको कुवैत में आना है तो आप लीगली आइए, जो भी कंपनी हो, जो भी घर में अगर आप काम करने के लिए आ रहे हो तो उसी घर में आपको काम करना है, अगर आप कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हो तो उसी कंपनी में ही आपको काम करना है, ऐसा वीजा में आप कुवैत में आइए, ऐसा सोच के ही आइए, मैं उसी कंपनी में ही जा रहा हूँ, वहां पे ही मैं काम करूंगा, तब आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर वैसा सोच के आ रहे हो आके मैं किसी भी जगह में काम करूंगा, तो आप मत आइए, क्योंकि उसमें आपका जितना खर्चा हो जाएगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा।
मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक में वीडियो डाला है, ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया है कि दो लोगों को ऐसा पकड़ा गया है जो 1500 दिनार से पिज्जा खरीदा था, 1500 केडी, इंडियन हिसाब लगाएंगे क्योंकि हम लोग 3.5 लाख का करीब हो जाता है, उतना पैसा लेके वो पिज्जा खरीदा। एक एक बंदा ने 1500 1500 यानी 3000 दिनार दे के दो बंदा आया था। एक महीने के अंदर उनको पकड़ा गया, एक महीने में वो कितना कमा लिया होगा, 50,000 60,000। एक महीना तो आदमी का जॉब ढूंढने में ही चला जाता है, लेकिन एक महीने के अंदर उनको पकड़ा गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो अभी आप सोचिए, ये जो एक बंदा का 3.5 लाख का करीब पैसा खर्चा करके वो कुवैत में आया, आके एक महीना भी कमा भी नहीं सका, उसको डिपोर्ट कर दिया गया, पूरा उसका बर्बाद हो गया। इन टॉपिक में आप लोगों को बार बार अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा गलती ना करें, ताकि आपको बाद में आने के बाद अगर आपका लॉस हो जाएगा तो इससे आप लोग बच सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड अगर आप लोगों को मेरे साथ बात करना है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।